पिछले 60 साल में जितने भी पार्लियामेंट के सत्र हुए उसमें जितना काम होता था एक एक सत्र में, उससे ज्यादा काम इस बार हुआ है। ये क्यों हुआ, क्यों हुआ? नहीं नहीं क्यों हुआ? अरे मोदी है तो मुमकिन है, इसलिए नहीं हुआ है। ये इसलिए हुआ कि देश की जनता ने थप्पा लगाया। ये 125 करोड़ देशवासियों की ताकत है, ये लोकतंत्र की ताकत है, और उसका दबाव होता है जो देश हित के काम करने के लिए हर किसी को प्रेरित भी करता है, मजबूर भी करता है। आप सभी जानते हैं कि 7 सितंबर को हम सभी का चंद्रयान चांद पर उतरने वाला है। इस उपलब्धि के बाद चांद पर उतरने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। बहन और भाइयों, भारत में हो रही इस प्रगति के बीच फ्रांस के साथ हमारे सदियों पुराने संबंध दिन प्रतिदिन मजबूत हुए हैं। एक दूसरे की आवश्यकताओं को ध्यान, एक दूसरे के प्रति संवेदनशीलता, एक दूसरे के प्रति विश्वास को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। भारत और फ्रांस एक दूसरे के लिए लड़े भी हैं और जिए भी हैं। दोनों देशों ने कंधे से कंधा मिलाकर दुश्मनों से मुकाबला किया है। यही वो धरती है जहां प्रथम विश्व युद्ध में 9000 भारतीय सैनिकों ने फ्रांस के सैनिक, और यहां रहने वाले हर हिंदुस्तानी को ये 9000 का आंकड़ा कभी भूलना नहीं चाहिए। साथियों, हमने फासिज्म और एक्सट्रीमिज्म का मुकाबला भारत में ही नहीं बल्कि फ्रांस की धरती पर भी किया है। हमारी दोस्ती ठोस आदर्शों पर बनी है। दोनों देशों के चरित्र का निर्माण लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी के साझा मूल्यों से हुआ। आज अगर भारत और फ्रांस दुनिया के बड़े खतरों से लड़ने में नजदीकी सहयोग कर रहे हैं।